एक बच्ची घर के बाहर खेल रही होती है, शाम का समय होता है और फिर वह बच्ची घर से गायब हो जाती है। उसके घर वाले उसको इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी उसका तो पता नहीं होता है। वह बच्ची तकरीबन 6-7 साल की थी, यानी कि एक छोटी सी मासूम बच्ची थी। घर वालों को वह नहीं मिलती है, आस पड़ोस में देखते हैं लेकिन कहीं भी उसका तो पता नहीं होता है। पुलिस को भी बुला लिया जाता है, पुलिस भी उनके साथ ढूंढती है लेकिन कहीं भी वह बच्ची उनको नहीं मिलती है। अब सुबह हो जाती है और जैसे ही सुबह होती है तो घर वाले अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं पुलिस वालों के पास में। 12 अगस्त सुबह 11 बजे की बात है, भापसा कंदेली मार्ग पर तालाब में एक लड़की पड़ी हुई थी, लड़की की लाश, और एक चरवाहा वहाँ से अपनी भैंसों को चरा रहा था। तभी वह घबरा जाता है देख करके, क्योंकि उस पानी के अंदर एक लड़की की लाश तैर रही थी। तो वह सभी को बताता है, पुलिस के पास उसका फ़ोन आता है। पुलिस उन माँ बाप को लेकर वहाँ पर पहुँचती है और वहाँ कर जाकर देखते हैं माँ बाप तो वह लड़की उनकी ही थी। उस लड़की को वह निकालते हैं और गले से लगा लेते हैं। पुलिस दोस्तों वहाँ पर पहुँच कर सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पता लगाती है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है इस बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद इसकी हत्या की गई है। अब यहाँ पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट जाती है और उधर जो घर वाले होते हैं वह रोड जाम कर देते हैं, गांव वाले और घर वाले, कि भाई हमें न्याय चाहिए। अब यहाँ पर एसपी देहात शंकर दत्त शर्मा जो होते हैं उन्होंने अपने निर्देशानुसार एक एसपी, 3 डीएसपी, लगभग 21 थानों की पुलिस फोर्स, इन सबको मौके पर बुला लिया और तकरीबन 600 पुलिस वाले यहाँ पर तैयार किए जाते हैं और फिर हर गांव के अंदर एक जालसा बिछा दिया जाता है। सभी संदिग्धों की तरफ ध्यान किया जाता है और सभी की तरफ निगाह रखी जाती है। ऊपर से 600 पुलिस वाले गांव में इधर उधर फैल जाते हैं और इनके सभी के व्हाट्सएप ग्रुप बनवाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और कुछ वैसी बताई गई इन्फॉर्मेशन के जरिए कुछ विकृत मानसिकता वाले लोगों की सूची बनाई जाती है और फिर 26 आरोपियों को पकड़ लिया जाता है। उनको पकड़ लिया जाता है और उनमें एक व्यक्ति वह भी था जिसने उस बच्ची का कत्ल किया था। अब यहाँ पर क्या होता है, उस लड़के का नाम होता है सुरेश बलाई। उससे पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो सुरेश बलाई कहता है कि मैं शराब पीकर लौट रहा था और उसके पास एक बाइक थी, यानी कि मोटरसाइकिल। रास्ते में वह लड़की, रात का 9 बजे का समय था, तो वह लड़की रात को घर से बाहर खड़ी थी और वह मुहर्रम का जुलूस देखना चाहती थी। औरों से कह रही थी मुझे दिखा लाओ, मुझे दिखा लाओ। तो वहाँ पर वह पहुँचता है, शराब उसने पी हुई थी। उस बच्ची से कहता है कि कहाँ जाना है तुम्हें। बच्ची कहती है कि मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए जाना है। तो वह उसको अपनी मोटरसाइकिल पर बैठने के लिए कहता है कि चलो मैं दिखा कर लाऊँगा। वह लड़की उसके पीछे बैठ जाती है और वह फिर उसको तकरीबन गांव से जंगल की तरफ 7 किलोमीटर दूर तक ले जाता है। बच्ची रोने भी लगती है लेकिन वह यह नहीं सुनता है। जंगल में ले जाने के बाद उसके साथ बलात्कार करता है और पूरी रात भर उसके साथ दरिंदगी करता है, शराब के नशे में था। उसके बाद दोस्तों वहीं पर तालाब था और उस तालाब में उसको फेंक देता है और छुप करके देखता है कि यह मरी है या नहीं मरी है। जब तक वह डूबकर नहीं मर जाती है तब तक वह उसे देखता रहता है और जैसे ही वह लड़की डूबकर मर जाती है तो वह वहाँ से फरार हो जाता है। और दूसरे दिन वह लड़की तालाब में तैरती हुई एक भैंस चराने वाले ग्वाले को मिलती है और वह पुलिस में इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस गुहार लगाती है कि इस को केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और जल्दी से जल्दी उस आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाई जाए। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी बच्चियों को घर से बाहर ना निकलने दें। सबसे बात तो बड़ी बात तो यही है, बच्चे घर से बाहर खेलते रहते हैं, माँ बाप का ध्यान नहीं रहता है, कोई ना कोई उनको उठा ले जाता है और फिर उनके साथ दरिंदगी होती है। तो बच्चों के ऊपर कड़ी निगरानी रखें, कहाँ खेलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं, ये ध्यान रखना माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके हाथों में से बच्चे कब खो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लोग बहुत बुरे हैं, ज़माना बहुत बुरा है, न जाने कैसे कैसे लोग घूमते हैं राहगीरों में, गलियों में, सड़कों पर। तो अपने बच्चों को संभाल कर रखें, कभी भी ऐसे अकेला ना छोड़ें, वरना कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।